आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बाजोड़ के इलाके में अफगान सरहद से फायरिंग के नतीजे में 3 शहरी शहीद, 7 जख्मी हो गए। सरहद पार से की गई फायरिंग से 2 जवान भी जख्मी हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिला बाजोड़ पर अफगानिस्तान की सरहद से फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में 3 शहरी शहीद और 7 जख्मी हो गए। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक सरहद पार से फायरिंग के नतीजे में 2 सिपाही भी जख्मी हुए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। माजी में भी अफगानिस्तान की सरहद से पाकिस्तान के कबायली इलाकों पर फायरिंग की जाती रही है, जिसके नतीजे में भारी जानी और माली नुकसान हुआ है। अफगान सरहद से पाक फौज की चौकियों को भी निशाना बनाया जाता रहा है। अक्टूबर 2019 में अफगानिस्तान से सरहद पर फायरिंग के नतीजे में पाक फौज के 6 जवानों समेत 11 अफराद जख्मी हो गए थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 2000 किलोमीटर से ज्यादा तवील सरहद पर बाड़ लगाने का काम जारी है। ये बाड़ शरपसंद अनासिर की बॉर्डर क्रॉसिंग को रोक देगी और पाकिस्तान में उनकी सरगर्मियों को कम कर देगी। पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने के अमल में रखना डालने के लिए दहशतगर्द और दीगर शरपसंद अनासिर तखरीबकारियों करते हैं, और जिसके नतीजे में पाकिस्तान को भारी जानी और माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है।